नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति हमेशा से एक ऐसी राजनीति रही है जो करवट किस तरफ मोड़ रही है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, सरकार चली भी, लेकिन राजनीति जब पलटी तो फिर से वापस एनडीए घटक दल में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और सरकार बनाने के कुछ दिन बाद ही फिर से नीतीश कुमार ने महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस की जो 19 की बिसात जो तैयार की जा रही है कि 19 की तैयारियां, 19 में मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, एनडीए को सरकार से बाहर करना है, उसकी तैयारी में जो विपक्ष एक महागठबंधन की तैयारी कर रहा है, नीतीश कुमार उसमें शामिल होने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार की जो राजनीति है उससे पूरा उसका ताना बाना जो है वो बिखर सा गया है। अटकने तमाम लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ 19 चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन में शामिल होंगे, सवाल कई थे। और इसी बीच खबर आई है, सूत्रों से खबर आई है कि नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं और इस बीमारी को लेकर नीतीश कुमार उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर हमने बात की। लेकिन विशेष सूत्र जो हैं हमारे वो बता रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने की जो सुगबगाहट थी वो तेज हो गई है और इसके बाद बिहार की राजनीति का उठापटक का माहौल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मंचों से नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं। वो कहते हैं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए कहीं जगह नहीं है। इसकी वजह ये थी कि नीतीश कुमार ने जो संकेत दिए थे कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और ये बहुत पहले ही दे दिया था उन्होंने, जिसके बाद तेजस्वी यादव का जो गुस्सा था वो फूटा था और उस गुस्से में वो बोल रहे थे कि इनके लिए जगह नहीं है। सूत्रों के मुताबिक से कई जो शर्तें रखी गई हैं आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को दोबारा महागठबंधन में शामिल करने के लिए, उस शर्तों में सबसे प्रमुख शर्त जो है वो ये है कि अब दोबारा नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आते हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आरजेडी के साथ वो आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहती हैं तो आरजेडी इसे अपने हार के तौर पे देखती है और ये आरजेडी और उसके कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन सूत्रों से माने जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राजनीति के इस विषाद में शर्तों का सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। आरजेडी ने शर्त रखा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो 2019 में बनारस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। ये खबर है हमारे सूत्रों के, विशेष सूत्रों से ये खबर आई है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।